तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंडिया से सऊदी, ओमान, कतार कहीं भी जाना चाहते हैं तो मेडिकल में क्या क्या आखिरकार चेक होता है, क्योंकि यहां पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कन्फ्यूज है कि भाई मेडिकल में क्या क्या चेकिंग होता है। तो देखिए, पहले जो है अभी नियम डेली बाई डेली चेंज होते रहता है मेडिकल, जब से कोरोना केस आया तब से। अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो मैं आपको साफ सुथरा बता देता हूँ, मेडिकल में आपको जो है पहले जाएंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप जो है अंदर में जाएंगे मेडिकल में, जहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा वहाँ जाएंगे। तो अभी का स्थिति में वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब कि आप इंडिया में वैक्सीन लगा लिए हैं। उसके बाद आप मास्क लगा लेंगे, उसके बाद आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी होना चाहिए, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना होगा। ऑनलाइन किए रहेंगे उसका भी फ़ोटो कॉपी लेके जाना होगा। इसके बाद आपको वहाँ पर आपको चेक करेगा, जैसे कि आपका एक्सरे होएगा, इसके बाद आपको जो है खून चेक किया जाएगा, इसके बाद आपको पेशाब चेक किया जाएगा। इसके बाद जब आप एक्सरे करवाएंगे तो आपको बोलेगा पूरा शॉर्ट को खोलिए, शॉर्ट जब आप खोलेंगे तो आपको पूरा चेक किया जाएगा कि आपको कहीं ऑपरेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। फिर जैसे आपका पाँव है, पाँव को जो है जींस पहने रहेंगे उसको उठाना होगा, जैसे कि आप उठाएँगे तो आपको देखा जाएगा कि पाँव में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं कटा खुटा तो नहीं है। ये सारा डिटेल्स मेडिकल में जो है चेक किया जाता है। आँख का टेस्ट होता है, जैसे कि आँख, एक आँख आपको बोलेगा बंद करो, दूसरा आँख से देखो, टीवी में जैसे कि ABCDZ तक लिखा होता है वो सब आपको बताना होता है वहाँ पे डॉक्टर के। उसके बाद आपको पैंट खोला जाएगा, जैसे कि आपको पैंट खोल के आपको ये देखा जाएगा, जैसे कि आगे पीछे घुमाया जाएगा, आगे पीछे घुमाया जाएगा, जैसे कि आपको हाइड्रोसिन चेक किया जाएगा कि आपका जो भी डॉक्टर का नियम होता है वो, ये सब चेक होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लगभग मैं मेडिकल टेस्ट लगभग 3-4 बार कराया हूं, और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मुंबई में करवाते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे इतना चीज़ चेक नहीं होता है, कहीं कहीं पैंट नहीं भी खोलते, कहीं कहीं करते हैं। लेकिन अब जो है हो सकता है कि हर एक हॉस्पिटल में करता होगा, लेकिन अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी सऊदी, ओमान, कतार कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन वो लोग से पूछते हैं तो अभी बोलते हैं कि मेडिकल बहुत ही हार्ड होता है। तो अगर आप लखनऊ के बारे में बात करें, मुंबई और दिल्ली में, देखिए तो डॉक्टर के ऊपर निर्भर है, लेकिन डॉक्टर सब ज़्यादा करके आपको एक्सरे, खून, पेशाब और ब्लड टेस्ट आपको लेता ही लेता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि भाई हमारा चेस्ट में प्रॉब्लम है, हमारा पाँव में फ्रैक्चर है, जैसे कि हम ऑपरेशन कराएं तो क्या जा सकते हैं। तो अगर आपको अगर इसका मेडिकल करवाना है तो आप खास करके मुंबई में जाएं, क्योंकि मुंबई में उतना चीज़ जो है, कोई कोई जो हॉस्पिटल है उतना चीज़ नहीं देखते, सिर्फ खून, पेशाब, एक्सरे और ये शॉर्ट खोलना, पेंट खोलना, ये सब ज़्यादा नहीं चेक होता। अगर आप यही काम लखनऊ में करवाते हैं, लखनऊ में बहुत ही हार्ड होता है, मुंबई में कहीं कहीं हॉस्पिटल में नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि आपका नसीब, अगर ये सब ज़्यादा चीज़ ना चेक हो, कुछ हो प्रॉब्लम, अगर कुछ होता भी है तो आपको दवा बोलेगा खाओ, ठीक हो जाओगे तब जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, और जब आप सऊदी, ओमान, कतार कोई सा भी कंट्री में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल मेडिकल होता है 200-300 रियाल का, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है मेडिकल होता है, अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाते हैं तो क्या क्या चेक होता है, इस वीडियो में बता ही दिया हूँ। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।